बड़ी खबर का रुख करेंगे पश्चिम बंगाल से। बड़ी खबर है बीजेपी की टीम संदेश खाली रवाना हो गई है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली जा रही है, जहां बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी भी संदेश खाली रवाना हुई। बड़ी और अहम खबर, फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली पहुंचेगी और वहां पीड़ित महिलाओं से बीजेपी की टीम बात करेगी, उनकी दिक्कतों उनकी प्रताड़ना को जानने समझने और उसको लेकर आगे कार्रवाई की मांग की जाएगी। हालांकि शाहजहां शेख को आखिरकार 55 दिन बाद बंगाल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट की इजाजत के साथ अब फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो पहुंच रही है संदेश खाली। इससे पहले सुवेंदु अधिकारी भी संदेश खाली पहुंचे थे, महिलाओं से मुलाकात की थी, उन्होंने बात की थी और अब बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम संदेश खाली पहुंच रही है। दूसरी तरफ गिरफ्तारी हुई है शाहजहां शेख की, जो मुख्य आरोपी है इस पूरे मामले में, जिसके खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात अब चल रही है। बाकायदा पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि महिलाओं को इंसाफ कब मिलेगा। दरअसल शाहजहां शेख और उसके तमाम साथियों पर आरोप यह है, टीएमसी के नेताओं पर आरोप यह है कि उन्होंने महिलाओं से जमीन छीनी, जमीन पर कब्जा किया, महिलाओं का शोषण किया और कई साल तक काफी बड़ी संख्या इन महिलाओं की जिनका शोषण किया गया है। अब इस मुद्दे को लेकर राज्य की राजनीति भी गरमाई हुई है। तो ये बड़ी और अहम खबर, संदेश खाली हिंसा का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख गिरफ्तार किया गया। 5 जनवरी से फरार चल रहा था शाहजहां शेख, देर रात 3 बजे शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने 55 दिन बाद गिरफ्तार किया है शाहजहां शेख की गिरफ्तारी मिनाखा इलाके से हुई है। हाईकोर्ट कलकत्ता ने 1 हफ्ते का वक्त दिया था पश्चिम बंगाल की पुलिस को और 1 हफ्ते के अंदर ही हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 5 जनवरी से ये फरार चल रहा था। और उससे भी बड़ा मामला ये कि ईडी की टीम पर पथराव, ईडी की टीम के साथ मारपीट का आरोप इस पर था। राशन घोटाले का आरोपी है शाहजहां शेख और साथ ही जमीन कब्जाने, महिलाओं को प्रताड़ित करने, महिलाओं से यौन शोषण का आरोपी शाहजहां शेख आखिरकार 55 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमले के साथ ही शाहजहां शेख फरार हो गया था। संवाददाता रंजीत कुमार हमारे साथ कनेक्ट है। शाहजहां शेख को आखिरकार रंजीत गिरफ्तार किया गया, आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगी, आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, रिमांड की मांग पुलिस करने वाली है? देखिए जी, दक्षिण बंगाल ने इस मामले पे पेश मीट कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि आज कोर्ट में उन्हें पेश किया, ये शाहजहां शेख को पेश किया जा रहा है और उसे रात ही गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद वहां से उसे कोर्ट का कोर्ट के रूम में ले किया गया है। वहां पे अभी है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि कोई तरह का घटना न घटे। और दूसरी ओर शेख साहब जहाँ का जहाँ घर है उसके आसपास भी 144 धारा नया करके लागू कर दिया गया है और वहाँ भी पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि मामला बढ़े नहीं। अदालत में उसे पेश किया जाएगा। अदालत में पेश करने के बाद पुलिस की ओर से कहा गया है उसके लिए रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दी जाएगी। इसके अलावा रंजीत ये भी बताइए, फैक्ट फाइंडिंग टीम बीजेपी की संदेश खाली पहुंच रही है, कब तक ये टीम पहुंचेगी? महिलाओं से मुलाकात की भी बात कही जा रही है, क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए फैक्ट फाइंडिंग टीम पहुंच रही है, अभी जो रास्ते में है वहां जाकर पीड़ितों से बात करने का बात कही गई है। अब देखना है कि फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पहुंच पाती है या नहीं, या फिर आगे की तरह कोई उन्हें जाने से रोका जाता है या उस तरह कोई मामला ना आवे, ये देखने वाली बात होगी। फर्दर क्या होता है ये अपडेट आने के बाद ही इस पर कुछ विस्तार कुछ बताया जा सकता है। बिल्कुल रंजीत, बने रहिए, एक बड़ी अपडेट दे दें दर्शकों को। आज कोर्ट में पेश होगा संदेश खाली का मुख्य आरोपी शाहजहां शेख। जैसा रंजीत ने बताया हमें कि दोपहर 2 बजे कोर्ट में पेशी होगी शाहजहां शेख की। बशीरहाट कोर्ट में शाहजहां की पेशी होगी। संदेश खाली के बशीरहाट में सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ फैक्ट फाइंडिंग टीम भी पहुंच रही है, 2 बजे पेश किया जाना है। रंजीत ये जानकारी मिल रही है, क्या इंतजाम रहा और आखिरकार संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां तक पश्चिम बंगाल की पुलिस कैसे पहुंच पाई? देखिए उससे रात में पुलिस अपना वो मोबाइल टावर, बताया जाता है कि मोबाइल टावर टेस्ट करके उसको उस इलाके से बावन पोखरा इलाके से गिरफ्तार किया गया।
लेकिन उसके गिरफ्तारी के बाद उसे संदेश खाली थाना लाया, वहां से फिर कोर्ट में जो हिरासत है कोर्ट हिरासत में उसे अभी रखा गया, वहां भी पुलिस का व्यवस्था है और उसे बाद में पेशी करना है। उन पेशी करने के बाद क्या रिमांड में मिल पाता है या नहीं, यह देखने वाली बात है। पुलिस ने बताया कि उसे रिमांड के लिए अर्जी डालेगी। तमाम जानकारी के लिए रंजीत आपका बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगी हमारे दर्शकों तक आप पहुंचाइए। फिलहाल ये जानकारी है कि दोपहर 2 बजे पेश किया जाएगा मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को और यकीन पुलिस रिमांड की मांग करेगी। और शाहजहां की गिरफ्तारी पर बंगाल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दक्षिण बंगाल एडीजी सुप्रतिम सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोर्ट के स्टे से गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी, तो गिरफ्तारी हुई और उसके बाद अब एडीजी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रतिम सरकार ने कहा कि स्टे की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई थी, अब गिरफ्तारी हुई। छकृत भावे शेख शाहजहां के गिरफ्तार करछे ना, आमी बोलते चाहिए स्पष्ट करे, एटा ठीक नय, एटा भूल, एटा अपप्रचार। आमादेर आईनी बाध्यबाधकता छिल जेटा स्पष्ट करे दिएछे। दिन दुएक आगे जखन माननीय उच्च आदालतेर तरफे स्पष्ट करे बोले देया हय जे गिरफ्तारीर उपरे कोनो धरनेर विधि निषेध नेई, तारपर आमरा जोर कदमे तल्लाशी शुरू करी एबं गत राते